नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आई विल एक्सप्लेन ईच पार्ट ऑफ द सिलेबस, स्पेशली जो मेंस का सिलेबस है, और हर पार्ट के लिए मैं कुछ ऐसे बुक्स के सोर्सेज बताऊंगा जो कि आपको पढ़, और साथ में ही यूट्यूब चैनल के बारे में भी बताऊंगा जहां से आप वीडियोस देख सकते हो और अपने कंटेंट को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर सकते हो, जिसके बाद आपको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो बेसिकली मेरा मानना है कि जीएस की प्रिपरेशन आप विदाउट एनी कोचिंग कर सकते हो। यू डोंट हैव टू वेस्ट अ लॉट ऑफ योर टाइम एंड मनी बाय ज्वाइनिंग एनी कोचिंग, स्पेशली अगर आप फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो रेलेवेंट नहीं है। सो उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं वीडियोस बना रहा हूं। पहला यूपीएससी मेंस के लिए GS1 का वीडियो मैं बना चुका हूं, उसको आप जाके होम पेज पे देख लीजिएगा। और अगर होम पेज पे आप जा ही रहे हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं GS3 और GS4 के लिए वीडियोस भी लाऊंगा और कई सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं लेके आता रहता हूं आपके लिए टू हेल्प यू एंड गाइड यू इन योर प्रिपरेशन, स्पेशली अगर आप बिना कोचिंग या बिना पैसे खर्च किए हुए प्रिपरेशन करना चाहते हो। ये एक तरह से आपको डायरेक्शन भी प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूं मैं थ्रू आवर वीडियोस। सो इसके साथ स्टार्ट करते हैं। पहले आपको बताता हूं मैं कि कैसे जीएस पेपर 2 को मैं आपको समझाने वाला हूं। सो पहले मैं जीएस पेपर 2 के सिलेबस को ब्रॉडली कैटेगराइज करूंगा एक लॉजिकल मैनर में, एक रैशनल मैनर में। अभी क्या है कि जीएस का सिलेबस शायद थोड़ा सा इधर उधर है मेरे हिसाब से, और फिर मैं बताऊंगा कि आप इसको कैसे पढ़ सकते हो, कैसे कैटेगराइज करना है, जिससे कि एक लॉजिकल फ्लो आए, जिससे कि जब आप चीजें पढ़ें तो वन थिंग लीड्स टू अनदर थिंग, यू बिल्ड ऑन द प्रीवियस नॉलेज। तो उस हिसाब से मैं सिलेबस को कैटेगराइज करूंगा एंड उसके बाद आई विल टेल यू बेसिक सोर्सेज एंड एडवांस सोर्सेज फॉर दोज टॉपिक्स, एंड लास्ट में मैं कुछ वीडियोज बताऊंगा जिसको आपको देखना है एंड दे विल हेल्प यू इन सब्सटेंशिएटिंग योर प्रिपरेशन। सो हम जीएस पेपर 2 को चार भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, नेक्स्ट वन इज गवर्नेंस, एंड द थर्ड वन इज वेलफेयर स्कीम्स बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, साथ में ही इनका इंप्लीमेंटेशन कैसा हुआ है, हाउ इफेक्टिव दे हैव बीन, what are the procedures, mechanisms, all these things will come under the third part. And in the fourth part, we'll discuss about international relations. So, पहले part, यानि कि polity and constitution में, आपको एक sequence के हिसाब से पढ़ना होगा. जैसे कि पहले आप पढ़ सकते हो, historical underpinning, evolution, features, amendments, significant provisions and basic structure. And the next one is comparison of Indian constitutional scheme with that of other countries. Basically, इसका logic ये है कि आप जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ लिया, यानी कि हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स क्या थी, कैसे डेवलपमेंट हुआ, किस तरह से इवॉल्व हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर आवर इंडिपेंडेंस, एंड उसके बाद क्या फीचर्स रहे, क्या अमेंडमेंट्स हुए, एंड उसके बाद कैसे इवॉल्व हुआ, ऑल दीज थिंग्स जब आप पढ़ लेते हो उसके बाद आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अपने काफी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और तब आप कंपेयर कर सकते हो इस कॉन्स्टिट्यूशन को विथ अदर कंट्रीज। सो इसलिए इस पर्टिकुलर टॉपिक को इसके साथ आप पढ़ सकते हो। आपके सिलेबस में ये टॉपिक दो तीन टॉपिक के बाद में दिया हुआ है, बट इसको आप मर्ज कर सकते हो विद दिस वन। सो ये हो गया पहला, जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ लिया तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, उसमें जो तीन बड़े लोग हैं यानी कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर एंड द थर्ड वन इज जुडिशरी, तो उनके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपका आता है सेकेंड पार्ट, वो है एग्जीक्यूटिव, उसमें क्या है स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग। नेक्स्ट वन इज मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट, तो एग्जीक्यूटिव में भी सेकेंड पार्ट है मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट, जो कि यूनियन एंड स्टेट लेवल पे हैं, उनकी कैसी फंक्शनिंग है, उनकी क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। सो आपने एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ लिया, फिर आता है आपका लेजिस्लेचर। सो इसमें आपको पढ़ना है यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, उनकी स्ट्रक्चर, उनकी फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर्स, प्रिविलेजेस एंड अदर इश्यूज रिलेटेड टू दीज थिंग्स, उसके बारे में आपको पढ़ना है। एंड उसके बाद क्योंकि इसमें लोग इलेक्ट होके आते हैं, उनके कुछ ग्रीवांसेस होंगे, उनका कुछ उनका इलेक्शन कैसे हो रहा है, बहुत सारी चीजें जो एसोसिएटेड हैं वो डील की गई हैं एक एक्ट के थ्रू, वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, तो उसको भी आप इसके साथ जोड़ के पढ़ सकते हो, एक लिंक आपका बन जाएगा। तो ये कवर हो गया आपका लेजिस्लेचर वाला पार्ट। तीसरा ऑर्गेनाइज्ड स्टेट का जुडिशरी, फिर आप जुडिशरी के स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग को पढ़ सकते हो, और उसके बाद तीनों पार्ट्स ऑफ दिस स्टेट को आपने पढ़ लिया, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, तब आपको पढ़ना है सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में, सेपरेशन ऑफ पावर कैसे वर्क करता है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस हैं वो कैसे वर्क कर रहे हैं, क्या क्या उसमें इश्यूज आ रहे हैं, कैसे इवॉल्व हुआ है, इन सब चीजों के बारे में आप
पढ़ सकते हो। तो ये हो गया आपका एक फ्लो जिसके थ्रू आपको पढ़ना चाहिए। अब ये अलग अलग जगहों पे दिए हैं आपके जीएस पेपर 2 के सिलेबस में, बट अगर इस तरह से आप ऑर्गेनाइज करोगे तो एक सिस्टमैटिक तरीके से आप इसको पढ़ सकते हो। अब आपने ये बेसिक समझ लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है एंड देन उसके तीनों ऑर्गन्स क्या क्या है, उनका क्या क्या इश्यूज है। उसके बाद आता है उन तीनों ऑर्गन्स का जो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है उसके बारे में पढ़ लिया, उससे क्या क्या इश्यूज हो रहे हैं उसके बारे में आपने पढ़ लिया। उसी इश्यूज में एक आता है यूनियन स्टेट की फंक्शनिंग, उनकी फंक्शंस क्या क्या हैं, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्या क्या हो रही है, एंड जो फेडरलिज्म वाला कॉन्सेप्ट है उसमें क्या क्या इश्यूज हैं। ये आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक, वो है फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूनियन स्टेट्स। ये पढ़ोगे आप तब आपको पता चलेगा कि क्या क्या इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं अपने फेडरल स्ट्रक्चर में। और देन आता है कि इसमें एक चैलेंज ये भी है कि जो लोकल लेवल पे गवर्नेंस था वो अच्छा नहीं था। गांधी जी ने बात की थी कि जो ग्राउंड लेवल के लोग हैं दे शुड बी इन्वॉल्व इन द गवर्नेंस प्रोसेस, पर वो नहीं हो रहा था। तो उसको इंश्योर करने के लिए 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। और उसी के कॉन्टेक्स्ट में नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है, वो है डेवल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंसेस टू लोकल लेवल, एंड जो भी चैलेंजेज है उससे रिलेटेड उनके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये हो गया नेक्स्ट टॉपिक विच इज फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनियन एंड स्टेट, देन इश्यूज एंड चैलेंजेज ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर, जो दोनों के फंक्शंस हैं उसके बाद कुछ इश्यूज भी आएंगे उनको डील करना है, और फिर जो सबसे लोअर लेवल की स्टेट मशीनरी है वो है लोकल गवर्नमेंट, फिर उनके बारे में पढ़ना है कैसे इवॉल्व हुई, क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, कुछ बेनिफिट्स हुए हैं कि नहीं हुए हैं, इन सब चीजों के बारे में आप पढ़ सकते हो। तो तरह से ये लॉजिकल फ्लो हो गया ऑफ योर सिलेबस। अब इसके बाद कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आपको इंडिविजुअली पढ़ना है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गई, उनके पावर फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, जो स्टेटरी बॉडी है या रेगुलेटरी बॉडी है या क्वाज़ी जुडिशियल बॉडीज हैं उनके बारे में पढ़ना है। उस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, जो बॉडीज न्यूज में रहती हैं ऑफन यूपीएससी आस्क questions about those bodies, तो इनको आप लास्ट में पढ़ सकते हो क्योंकि आपके पास जो यूनियन स्टेट कैसे फंक्शन करते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं उसके बारे में पता है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी पता है, सारे जो ऑर्गन्स है उनका इंट्रैक्शन कैसे होता है, इसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं उनके बारे में पता है। तो आपका एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग बन चुका है, और उसके बाद आपको इन बॉडीज के बारे में पढ़ना है जिससे कि आप कॉम्प्रिहेंसिवली इन बॉडीज के फंक्शंस को, इश्यूज को, चैलेंजेस को, उनको समझ पाओ। तो ये हो गया आपका पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट, जो मैंने चार पार्ट बताए थे उसमें पहला ये पार्ट था। इसके सिलेबस को आपको इस तरह से अप्रोच करना है, इसके लिए क्या क्या बुक्स आपको रेफर करनी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो जैसा कि हम सभी को पता है कि एनसीईआरटीज आर द बेस्ट सोर्स टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, और क्योंकि मैं ये वीडियो बिगिनर्स के लिए बना रहा हूं तो मैं बेसिक से बताऊंगा। सो आपको 9th एंड 10th में एक बुक है डेमोक्रेटिक पॉलिटी, 9th में भी है और 10th में है पार्ट 2 करके, तो इन दोनों को आपको पढ़ना है। उसके बाद 11th की एक एनसीईआरटी है विच इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इन तीनों बुक्स को आपको पढ़ना है, अच्छे से समझना है, वो बहुत ही लीनियंट तरीके से आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कराएगा। कोई पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, कोई भी फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो कैसे आया, उसका बैकग्राउंड क्या था, क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में बेसिक, उन सबको बताते हुए आपको उन चीजों को इंट्रोड्यूस करता है एनसीईआरटी में। सो उससे आपको एक बैकग्राउंड मिल जाता है, उससे आपको हेल्प मिलती है फॉर लिंकिंग डिफरेंट टॉपिक्स। उसके बाद आपको पढ़ना है लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत एक ऐसी बुक है, यह कह सकते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट में कोई ऐसी एक बुक नहीं है जिसको पढ़ के आप सारी चीजें अच्छे से कर सकते हो, पर इसमें है, इसमें अगर आप लक्ष्मीकांत को अच्छे से पढ़ते हो तो यू कवर द इंटायर पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट। हालांकि आगे बात करेंगे कि एक और बुक है डीडी बासु, जिसको आपको लास्ट में पढ़ना है या जब आपकी बेसिक चीजें बहुत अच्छे से कवर हो जाए तब आपको पढ़ना है, बट उसको तभी आप पढ़ो जब आपकी बेसिक चीजें अच्छे से कवर हो जाए, जब आपकी ये चीजें जो बेसिक बुक्स हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उन पे आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो जाए तब उसको आप जाके पढ़िए। अब इसमें एक और चीज है कि जीएस पेपर 2 में कोई भी क्वेश्चन नॉर्मली उसका कोई करंट इवेंट्स में कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी आप स्टैटिक तरीके से अपने आंसर्स को नहीं लिख सकते हो, आपको उसको करंट से लिंक करना ही पड़ेगा। नॉर्मली ये क्वेश्चन में ही बता देते हैं, बट अगर नहीं भी बताया है तो इंट्रोडक्शन में यू शुड स्टार्ट विथ द करंट एस्पेक्ट। सो उसके लिए आपको पढ़ना है विजन आईएएस की मेंस 365 एक आती है, उसको आप खरीद लो, मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है वो, एंड शायद विजन आईएएस की वेबसाइट पे उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, यू कैन टेक प्रिंट आउट ऑफ दैट पीडीएफ, और वहां से आप जो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन वाला एस्पेक्ट है उसको आप अच्छे से कवर कर सकते हो। वहां पे आपको लिंक करके चीजों को बताया जाएगा, जो करंट का कोई इवेंट होगा और उसके बेसिस पे क्या क्या चीजें और हैं, क्या क्या डायमेंशन है उसके, और क्या क्या और इन्फॉर्मेशन है जिसको आपको कवर करना चाहिए, वो सब चीजें वहां पे आपको मिल जाएंगी। सो दैट इज अ वेरी गुड सोर्स फॉर एनरिचिंग योर कंटेंट एज पर द करंट नीड्स। तो इससे जरूरी है कि आप ये बेसिक चीजें कवर करने के बाद, ये स्टैंडर्ड बुक्स कवर करने के बाद विजन आईएएस की मेंस 365 ही आप पढ़ो उसको अच्छे से। और अगर आप कोई करंट अफेयर की मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो तो उसमें पॉलिटी का जो सेक्शन होता है
वहां से आप लिंक करो चीजों को, एंड ओनली देन यू विल बी एबल टू राइट कॉम्प्रिहेंसिव आंसर्स और जो क्वेश्चन की डिमांड है इसको आप मीट कर पाओगे। अब ये कुछ बेसिक चीजें हैं, लास्ट में आपको कुछ और चीजें बताऊंगा मैं जो कि आपको हर चीज के लिए पढ़ना है। जीएस पेपर टू के जो भी पार्ट हैं हर चीज पे वो अप्लाई होती है मोस्टली, उन सोर्सेज के बारे में भी आपको लास्ट में बताऊंगा। अब बात करते हैं सेकेंड टॉपिक की, विच इज सोशल वेलफेयर। उसमें जो सेंटर और स्टेट की क्या क्या स्कीम्स हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, चैलेंजेस क्या क्या हैं, एंड परफॉर्मेंस कैसा रहा है, उनका मैकेनिज्म क्या है, लॉज कौन कौन से इंस्टीट्यूशन हैं या बॉडीज हैं जो बनाई गई हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल सेक्शंस, इन चीजों को आपको इसमें पढ़ना है। देन आता है कि आपका पावर्टी एंड हंगर जो से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनकी क्या क्या चीजें हैं उनको आपको पढ़ना है। एंड फिर नेक्स्ट आता है सोशल सेक्टर एंड सोशल सर्विसेज, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स, इनके डेवलपमेंट में क्या क्या इश्यूज हैं और उनका मैनेजमेंट कैसे करती है गवर्नमेंट, इन चीजों के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आता है कि गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज हैं, इंटरवेंशन है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर्स, और उनके डिजाइन में क्या क्या फ्लॉज हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनके इंप्लीमेंटेशन में क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या सजेशन आप दे सकते हो। ये सब टॉपिक आते हैं आपके वेलफेयर स्कीम्स एंड पॉलिसीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ एंड पॉलिसीज फॉर वेरियस सेक्टर्स एंड सर्विसेज, इसमें ये टॉपिक्स कवर होते हैं। अब क्योंकि मोस्टली ये करंट से रिलेटेड है तो इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान में देनी है, इसके लिए कोई इंडिविजुअल सोर्स आपको नहीं मिलेगा क्योंकि टॉपिक्स आर सो डाइवर्स। गवर्नमेंट स्कीम है दैट यू हैव टू रीड फ्रॉम करंट अफेयर, वो चेंज होती रहती है, लास्ट वन एंड हाफ ईयर्स के करंट अफेयर आपको पढ़ने चाहिए मेंस के लिए, जिससे कि सारी चीजें आपकी कॉम्प्रिहेंसिवली या रिक्वायर्ड जो चीजें हैं, रिक्वायर्ड जो स्कीम्स है, रिक्वायर्ड जो डेवलपमेंट है, पॉलिसीज है, प्रोग्राम्स है, वो चीजें आपकी कवर हो जाए। इसमें वल्नरेबल सेक्शंस के लिए चीजें हैं तो वो आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि वुमेन हो गया, SC/ST हो गए एंड डिसेबल्ड पीपल हो गए, ऐसे बहुत सारे वल्नरेबल सेक्शंस हैं इंडिया में, उनके लिए क्या क्या स्कीम्स हैं, क्या क्या पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट ने बनाई है, हेल्थ के लिए क्या है, एजुकेशन के लिए क्या है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए क्या है, पॉवर्टी का जो इशू है या हंगर का जो इशू है जो कि SDG में पहले नंबर पे आता है, उनसे रिलेटेड क्या क्या इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या सजेशंस हो सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। ये करंट एस्पेक्ट है, सो आपको करंट अफेयर से ही कवर करना है इनको, ये भी आपके PT 365 में कवर हो जाएंगे, पर साथ में ही आपको इन्हें सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा विद डेली न्यूज पेपर और कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट जैसे PIB हो गया या PRS लेजिस्लेटिव की साइट जो है उनको आप रेफर कर सकते हो, उनसे आप हेल्प ले सकते हो, या लॉ कमीशन की रिपोर्ट हो गई लेटेस्ट, उसमें अगर कोई टॉपिक कवर किया गया है तो वहां से आप इसको सब्सटेंशिएट कर सकते हो। बहुत सारे कोचिंग वाले नोट्स भी बनाते हैं इनके लिए, जैसे कि VIS के नोट्स आपको मिल जाएंगे, पावर्टी पे मिल जाएंगे या ह्यूमन रिसोर्स मिल जाएंगे, उनको भी आप एक बेस की तरह यूज कर सकते हो और उस पर आप बिल्ड कर सकते हो करंट अफेयर से। सो उसके लिए क्या करना है आपको, पहला किसी भी कोचिंग के आप बेस नोट्स ले लो और उसके बाद जो PT 365 है वहां से आपको वेरियस करंट अफेयर वाले एस्पेक्ट मिल जाएंगे, साथ में ही आप हेल्प ले सकते हो न्यूज पेपर की और PIB की टू कॉम्प्रिहेंसिवली कवर दीज टॉपिक्स, और लास्ट में आप कुछ चीजें कवर सकते हो जैसे कि PRS की वेबसाइट है, वहां पे आप टॉपिक डाल के PRS डाल के UPSC डाल के लिख सकते हो और उनपे कुछ चीजें आपके लिए आ जाएंगी। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज है, वह है कि बहुत सारे इसमें ऐसे टॉपिक्स हैं जो इंडिविजुअली कवर हो सकते हैं, जिसपे आप एक पेजर नोट्स बना सकते हो, जैसे कि पॉवर्टी हो गया, हंगर हो गया, हेल्थ वाला एस्पेक्ट है, एजुकेशन वाला एस्पेक्ट है, जो NGOs हैं, जो SSGs हैं, उनका जो एस्पेक्ट है, इन सब चीजों पे आप वन पेजर नोट्स आप बना सकते हो। इसमें क्या बेसिक फैक्ट्स आपके पास हो जाएंगे, कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स हो जाएंगी और कुछ कमिटीज कमीशन की रिकमेंडेशंस भी आप उस पर लिख सकते हो। तो इस तरह से आपकी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हो सकती है फॉर दिस टॉपिक। सो ये हो गया दूसरे नंबर के टॉपिक के लिए। अब यूट्यूब वीडियोस के बारे में मैं लास्ट में बात करूंगा, अभी एक बार बुक्स एंड सोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं, देन विल कवर द एंटायर थिंग इन द लास्ट। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका गवर्नेंस वाला। तो गवर्नेंस में भी कुछ चीजें लिंक है, जैसे कि जो पॉवर्टी वाला इशू है वो लिंक है, पॉवर्टी को ही सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेगी, बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करेगी, उनको सही से इंप्लीमेंट करेगी, वो पार्ट आता है गवर्नेंस में। और बहुत सारी चीजें इंटर पेपर में लिंक है, जैसे पॉवर्टी वाला इशू है, हंगर वाला इशू है, वो आपका लिंक है इंक्लूसिव डेवलपमेंट से, जो कि पेपर 3 का पार्ट है, या पेपर 1 में भी बहुत सारे इशूज है, जैसे कि जो वल्नरेबल सेक्शन वाला एस्पेक्ट है वो अपने सोसाइटी से लिंक है, बहुत सारे चैलेंजेस जो फेस करते हैं, जैसे वुमेन जो फेस करती है, बहुत सारे चैलेंजेस आपके लिंक हो गए पेपर 2 में भी, और पेपर 3 में भी जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन है उसको आप लिंक कर सकते हो उन चीजों से। सो कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड अप्रोच आपको रखनी पड़ेगी, वो तभी होगा जब आपको सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होगी। सो इसलिए आई एम ट्राइंग टू डिसाइफर द सिलेबस, साथ में ही आपको इंपॉर्टेंट सोर्सेज बता रहा हूँ, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन विदाउट एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो जाए, क्योंकि कोई कोचिंग वाला आपको करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा सकता है, आपको खुद कवर करना होगा ये, क्योंकि बहुत डायनेमिक है, नोबडी कैन टीच यू दैट, यू हैव टू पुट एफर्ट्स फॉर दिस। सो इसलिए इसके लिए किसी कोचिंग की जरूरत आपको नहीं है।